साइकिल लेके बीच में आ गए तो मेरे को क्या करना पड़ा, क्लच प्रेस करना पड़ा, फिर रिलीज करना पड़ा। ये मूवमेंट होता है जो अभी मैं कर रहा हूँ। अभी सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स, क्लच रिलीज कर दिया कम्प्लीटली, फिर आगे वाली कार में ब्रेक लगी तो क्लच प्रेस किया, ब्रेक लगाया। तो यही होता है बम्पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो होता है, इसी को कहते हैं जब आपको स्लोली मूव करना पड़ता है, ये देखिए स्टॉप करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच का यूज दिखाने वाला हूँ, किस तरह से हमारा ट्रैफिक में, डेंस ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में किस तरह से हमारा क्लच का मूवमेंट होने वाला है। अभी देखिए मैं फर्स्ट गियर में हूँ, क्लच रिलीज कर रखा है मैंने, सेकंड गियर अप्लाई किया, मूवमेंट कर रहा हूँ। आगे देखिए बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक है, स्लो मूविंग है, तो मैंने वापस से फर्स्ट गियर लगाया और स्लोली मूव कर रहे हैं, क्लच को कम्प्लीट रिलीज कर दिया। अब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या होता है, अभी ऐसे स्लो मूविंग ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या होता है, बार बार आपको क्लच रिलीज करना होता है जैसे ही मूवमेंट आती है। ये देखिए ये बीच में आ गए, साइकिल लेके बीच में आ गए तो मेरे को क्या करना पड़ा, क्लच प्रेस करना पड़ा, फिर रिलीज करना पड़ा। ये मूवमेंट होता है जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये मूवमेंट होता है हमारा क्लच को प्रेस करना, फिर रिलीज करना। इस तरह से मूवमेंट करने से हमारा क्या होता है, क्लच का यूज जो आप प्रॉपर ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या नॉर्मल ट्रैफिक हो, क्लच का यूज इस तरह से लेते हैं। तो अभी देखिए ये जो कार राइट की तरफ आ रही है, स्पेस नहीं है तो अभी अंदर की तरफ आ ही आ रहे हैं। तो अभी आप क्लच देखिए, मैंने थर्ड गियर अप्लाई किया है, मूवमेंट है, आगे स्लोली मूव हो रही है आगे ट्रैफिक जो है। तो हमारा क्लच का यूज है कि थर्ड गियर लगाया मैंने, बिल्कुल भी मूवमेंट मतलब फुट मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। और ये मैं थर्ड गियर में हूँ, अभी ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, आगे स्लो हो रहा है ट्रैफिक, कंट्रोल करना पड़ेगा। डाउन शिफ्ट करेंगे अब हम, 10 के जस्ट 10 की स्पीड है, इसलिए देखिए सेकंड गियर लगा लिया मैंने और फिर मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी है। इस पोजीशन पे अगर कार की स्पीड 10 से भी बिलो चल जाती, ऑलमोस्ट स्टॉप वाली सिचुएशन होती, तो मैं फर्स्ट गियर लगा लेता। अभी देखिए आप स्लोली मूव कर रहे हैं, हम सेकंड गियर में ही हूं, मैं क्लच को रिलीज कर दिया कंप्लीटली मैंने। अब हम थर्ड गियर लगा लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 2000 RPM क्रॉस हो चुका था, 2500 RPM। तो मैंने क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर लगाया, क्लच को रिलीज कर दिया। आप फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, क्लच का यूज देखिएगा, जब जब गियर शिफ्ट करेंगे हम, जैसे जैसे गियर को अपशिफ्ट कर रहे हैं, क्लच यूज ले रहे हैं। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया ट्रैफिक, स्लो डाउन किया, हमको करना पड़ा। सेकेंड गियर लगाया क्योंकि कार की स्पीड जो है 10 है, जब तक मूव हो रही है, रोलिंग चल रही है व्हील्स में, तब तक हम क्या सेकंड गियर लगा सकते हैं। जैसे ही अगर हम स्टॉप हो जाएंगे, कंप्लीटली कंप्लीट स्टॉप होंगे, तब हमें फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। अभी मैंने थर्ड गियर लगा लिया क्योंकि 30+ की स्पीड आ गई थी कार में, और अब आगे वापस स्लो डाउन हो रहा है, तो मैंने क्या किया, ब्रेकिंग की। अब कार की स्पीड 20 अप्रॉक्स आ गई है, तो क्या करेंगे, डाउन शिफ्ट कर देंगे, क्लच प्रेस कर रहा, डाउन शिफ्ट किया। तो आपने नोटिस किया फ्रेंड्स, क्लच का यूज कितनी बार आता है ट्रैफिक में, जब हम होते हैं स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि फर्स्ट गियर में ही आप मूव करते हैं। अगर आगे देखते हैं सिग्नल मिलेगा और मूवमेंट करेंगे तो हम ध्यान देंगे किस तरह से हमारा क्लच का यूज होगा। अभी मेरे पास राइट में स्पेस नहीं थी और लेफ्ट से कार भी अंदर की तरफ आ रही थी, तो मैंने ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो डाउन कर लिया। अभी वही चीज हुई है सिचुएशन, थर्ड गियर से सेकेंड गियर लगाएंगे क्योंकि आगे ट्रैफिक का सिचुएशन देखिए, आप स्लो हो गया है, और अब मैं क्लच को रिलीज किया हूँ सेकंड गियर में और मूवमेंट कर रहा हूँ आगे का डिस्टेंस देखते हुए और आगे का ट्रैफिक का सिचुएशन देखते हुए। मूवमेंट देखिए आप, स्लो मूविंग है, तो इसमें मेरे को क्या करना है, एक्सीलेटर प्रेस करना है। ये देखिए हल्का सा प्रेस किया, फिर रिलीज किया, ताकि मेरी कार में मूवमेंट आए, फिर मेरे को कंट्रोल भी करना पड़े। अभी मैंने थर्ड गियर लगा लिया है और मूवमेंट आप देखिए, स्लो मूव कर रहा हूं, 30+ की स्पीड है मेरे कार में। अभी कोई लेन मेंटेन नहीं है, देखिए आप नोटिस करिए, राइट वाले एकदम से राइट आ जा रहे हैं, लेफ्ट वाले एकदम से लेफ्ट आके लेफ्ट से राइट की तरफ आ जा रहे हैं। तो मेरे को मेंटेन, अगर लेन मेंटेन होने से क्या होता है, आराम से आप मूव कर सकते हैं। अभी यहाँ देखिए बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो गया है, यहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक है। ये देखिए आगे जो ट्रक चल रहा है, इसको मैं इसके पीछे फॉलो करने वाला हूँ। ये मेरा मूवमेंट देखिए आप, क्लच रिलीज किया, आगे तक पहुंचे, क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि स्लो डाउन करनी है, क्लच प्रेस किया, ब्रेकिंग भी अप्लाई करनी पड़ी। अभी आगे मूवमेंट आया फिर से, फिर क्लच रिलीज किए, फिर क्लच वापिस से प्रेस करना पड़ा क्योंकि स्टॉप हो गया और सिचुएशन आगे, फिर आगे मूवमेंट की हमने, जैसे ही मूवमेंट हुई फिर क्लच प्रेस किया,
क्योंकि आगे देखिए आप बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक है, स्लो मूविंग हो रहा है, फिर थोड़ी सी पिकअप लेनी पड़ रही है, फिर क्लच रिलीज करके फिर वापिस से प्रेस करना पड़ जा रहा है। अभी सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स, क्लच रिलीज कर दिया कंप्लीटली, फिर आगे वाली कार में ब्रेक लगी तो क्लच प्रेस किया, ब्रेक लगाया। तो यही होता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो होता है, इसी को कहते हैं जब आपको स्लोली मूव करना पड़ता है। ये देखिए स्टॉप करना पड़ता है। अभी ये जो कार एकदम से राइट की तरफ आई, मेरे को लेफ्ट में स्पेस देखनी थी, स्पेस नहीं थी, तो मैंने इसको स्पेस ली ताकि ये आ सके वापिस से। ये देखिए वापिस से वही सिचुएशन, क्लच प्रेस किया, फिर मूव भी किया, फिर स्लो करना पड़ा, जिससे क्लच रिलीज किया, अब प्रेस करके वापिस ब्रेकिंग करनी पड़ी, कंप्लीट स्टॉप करनी थी। अभी देखिए क्लच रिलीज किया, आगे मूवमेंट आई, थोड़ी सी मूवमेंट आ गई तो मैंने क्लच पूरी तरह से रिलीज कर दिया। अगर मूवमेंट नहीं आती, स्टॉप करना पड़ता, तो वापिस से क्लच प्रेस करता, जो कि पहले किया था हमने। जब अभी स्पेस क्रिएट हो गई है बीच में, तो मैंने सेकेंड गियर लगाया स्पेस को फिल करने के लिए, आगे बढ़ाई अपनी कार। अभी देखिए अभी फॉलो कर रहे हैं, ये कंप्लीट स्टॉप, फिर से फर्स्ट गियर लगाया। ये होता है फ्रेंड्स जब हम इस ऐसे ट्रैफिक में, सिटी ट्रैफिक में जब हम क्लच का यूज ले रहे होते हैं। तो ये वीडियो करने का रीजन यही था फ्रेंड्स, क्लच का मूवमेंट आप समझ सकें कि किस तरह से हमें मूव करना है, किस तरह से हमें क्लच का यूज लेना है, ताकि हम ऐसे ट्रैफिक में जो कि स्लो मूविंग ट्रैफिक, जो कि ऑफिस आवर्स ट्रैफिक होता है, अभी सिग्नल रेड हो गया है तो हमें स्लो स्टॉप करना है। देखिए आप, मैं फुट बाद में प्रेस कर रहा हूँ क्लच का, पहले ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी थी। अब क्या करेंगे, हम न्यूट्रल कर लेंगे और क्लच को रिलीज कर देंगे। मेरे पास राइट साइड में स्पेस क्रिएट हो गई है, तो मैं राइट की तरफ जाके ये देखिए अपनी स्पेस लेके अपनी कार आगे बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में किस तरह से हमें क्लच का यूज लेना होता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि क्लच का यूज किस तरह से होता है, आपने नोटिस किया होगा क्लच, अभी मैंने क्या किया हूँ, क्लच रिलीज कर दिया है, ब्रेक अप्लाई कर रखी है मैंने, सिग्नल ग्रीन हो गया है, तो हम क्या करेंगे, क्लच प्रेस करेंगे, फर्स्ट गियर लगाया। अब मेरा मूवमेंट देखिएगा आप ट्रैफिक में, जैसे ही सिग्नल रिलीज होता है, सिग्नल ग्रीन होता है, तो आपका ये देखिए क्लच का यूज ऐसे ही आता है, क्लच यूज करना पड़ता है, क्योंकि स्लोली आप आगे बढ़ाते हैं, आपके पास स्पेस नहीं होती। जैसे मेरे पास राइट साइड में स्पेस नहीं थी और ये कार लेफ्ट के तरफ राइट के तरफ आ रही थी, लेफ्ट साइड से मेरी तरफ आ रही थी, तो मेरे को क्लच का यूज लेते हुए अपनी कार को मूव करना था। अभी मैंने क्लच कंप्लीटली रिलीज कर दिया है, थर्ड गियर में हूँ अभी मैं। अब वापिस से देखिए ब्रेकिंग अप्लाई की, कार स्लो डाउन हुई, 30 की स्पीड है इसलिए डाउन शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, थर्ड गियर में ही मूव कर लूंगा। लेकिन यही अगर स्लो डाउन होती, कंप्लीट स्टॉप जैसा सिचुएशन होता, तो मेरे को ऑलमोस्ट क्या कहते हैं उसको, डाउन शिफ्ट करना पड़ता या फिर कंप्लीट स्टॉप होता तो स्टॉप करना पड़ता। अभी मेरे पास लेफ्ट में स्पेस हो गई है, तो मैं आराम से अपनी कार की स्पीड थोड़ी इंक्रीज किया हूँ, अप्रोक्स 60 की स्पीड ले आया हूँ अपनी कार में, और क्लच कंप्लीटली रिलीज है, फोर्थ गियर में हूं मैं। अब एक्सीलेटर से खाली कंट्रोल कर रहा हूँ, लेफ्ट और राइट का एक्सीलेटर देखिए, हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ। तो यही होता है फुट का मूवमेंट जब हम ट्रैफिक में होते हैं। अभी देखिए कितनी दूर से बड़े आराम से क्लच रिलीज करके पहुंचे थे, अब यहाँ सिग्नल आ गया तो मेरे को क्या करना है, ये देखिए कंप्लीटली स्टॉप करना है, तो ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ। ब्रेक अप्लाई करते हुए क्लच को प्रेस किया मैंने, अब ये फर्स्ट गियर लगाएंगे और जैसे ही आगे मूवमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग फिर मैं क्लच को रिलीज करूंगा। अभी मैं न्यूट्रल कर दे रहा हूँ, क्लच को रिलीज कर दिया मैंने, और जैसे ही मूवमेंट आएगा कार में, आगे मूवमेंट आएगा, अब ट्रैफिक मूव होगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना क्लच का मूवमेंट लेंगे। आप देखिए ट्रैफिक लग गया है, यहाँ पे सिग्नल हो गया है, तो क्या होगा, थोड़ा सा कुछ दूर तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, ये रिक्शा भी है तो स्लो मूविंग होगा, ये सिग्नल ग्रीन होगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से मूवमेंट होना है हमारा। तो फ्रेंड सिग्नल ग्रीन हो गया है, तो आगे क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाएंगे। ये देखिए जैसे ही मूवमेंट आया तो अपनी क्लच को रिलीज किया और हमने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपनी कार में। अभी मैंने क्लच कम्प्लीटली रिलीज कर दिया है, मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है, मैं लेफ्ट की तरफ गया और अपनी कार को आगे बढ़ा ली है। और आगे देखिए स्लो मूविंग हो रहा है, तो अभी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, कार स्लो डाउन की मैंने, क्लच अभी तक प्रेस नहीं किया। न्यू ड्राइवर्स या बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं इतनी देर में क्लच प्रेस कर चुके होते हैं, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करते हैं वो या तो क्लच प्रेस करके अप्लाई करते हैं या स्लो डाउन। ये देखिए खाली स्लो डाउन करनी है, इसमें भी ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस कर देते हैं, ये गलती करते हैं न्यू ड्राइवर्स। तो नीड नहीं है बात बात पे क्लच प्रेस करने की। अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने दो बार कार को स्लो डाउन किया सेकंड गियर में, लेकिन मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, बड़े आराम से ब्रेक अप्लाई की और मूवमेंट कर ली है वापस से, जब करना था तो एक्सीलेटर प्रेस किया, अभी भी फिर वही चीज की थी मैंने,
आपने नोटिस किया होगा, ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, जब आगे मूवमेंट करनी थी तो ब्रेक रिलीज करके फिर एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। इसमें मेरे को क्लच की नीड नहीं पड़ी। न्यू ड्राइवर्स यहाँ पे मिस्टेक यही करते हैं कि क्लच यहाँ नीड नहीं होता है, वहां भी ये देखिए यहाँ नीड नहीं है, मेरे को स्लो डाउन करना होगा। अगर ये देखिए राइट साइड जाना है, मेरे को स्लो डाउन करना होगा, तो मैंने एक्सीलेटर रिलीज किया, स्लो डाउन कर दिया, यहाँ पे भी क्लच की नीड नहीं थी। न्यू ड्राइवर्स यहाँ पे क्लच प्रेस कर देते हैं और बेफजूल का, अभी देखिए अपशिफ्ट करना था इसलिए मैंने क्लच प्रेस किया, अपशिफ्ट किया थर्ड गियर, क्योंकि आगे स्पेस मेरे को दिख रहा था क्रिएट हो गई है और मैं अपनी कार को लेके मूवमेंट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने अपशिफ्ट किया था और मूव कर रहे हैं आराम से, स्पेस जैसे ही दिखेगी उसके हिसाब से ये देखिए। अभी मैंने एक्सीलेटर रिलीज कर दिया, यहाँ पे मेरे को अगर जिस हिसाब से मैंने स्पीड ली थी, आगे ट्रैफिक दिखता तो मैं और स्पीड लेता, लेकिन ट्रैफिक स्लो हो गया, जो व्हीकल मूव हो रही थी वो स्लो हो गई, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर सिर्फ रिलीज किया, मेरी कार के इंजन ब्रेकिंग से ही कंट्रोल में आ गई। तो ये तरीका होता है फ्रेंड्स अपनी कार को कंट्रोल में लाने का, या आप कह सकते हैं इंजन ब्रेकिंग का यूटिलाइज करने का। बात बात पे आपको क्लच प्रेस करना या ब्रेकिंग की नीड नहीं होती। अभी देखो मेरे दूर से दिख गया मेरे को लोग क्रॉस कर रहे हैं और आगे ट्रैफिक भी है, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था और फिर ब्रेकिंग अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। अभी ब्रेकिंग करते जा रहा हूँ, इंजन ब्रेकिंग भी जो नीड है वो पड़ रही है, और मैंने अपनी नॉर्मल जो फुट ब्रेक है वो भी अप्लाई किया धीरे धीरे, ताकि मैं कार को अपनी स्पीड स्मूथली डाउन शिफ्ट डाउन कर लूँ स्पीड उसकी। तो आपने नोटिस किया स्मूथली डाउन की अपनी मैंने कार की स्पीड। अब जैसे आगे मूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से देखिए, मैं क्लच प्रेस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी कार को। ये देखिए मेरे को लग रहा है ये स्लो होगा, आगे ब्रेक अप्लाई की है उसने, बस राइट की तरफ आ रही है तो वो स्लो होगा, तो मैंने क्या किया एक्सीलेटर को सिर्फ रिलीज किया है। मेरी कार ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंजन ब्रेकिंग की वजह से कार की स्पीड डाउन हो जाती है और कार स्लो डाउन स्लो हो जाती है एकदम। तो ये तरीका होता है फ्रेंड्स क्लच का मिनिमम यूज करने का ट्रैफिक में, जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं वहां तो जरूरत पड़ता ही है, अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करना होता है वहां भी जरूरत पड़ता है क्लच का, लेकिन जब आप कार को अपनी कंट्रोल करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप सिर्फ इंजन ब्रेकिंग ले सकते हैं, क्लच जरूरी नहीं है आपको क्लच प्रेस करना ही होगा। अभी आगे रेड सिग्नल हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, एक्सीलेटर रिलीज कर दूंगा, स्लोली मूव हो रही है मेरी कार, मैं सेकेंड गियर में हूँ, तो इंजन ब्रेकिंग आप देखिए कार अपने आप स्लो डाउन होती जा रही है, ये होती है इंजन ब्रेकिंग, कार को आपको स्लो डाउन करना होता है। जब ये मैंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया, कार न्यूट्रल कर दिया, क्लच को रिलीज कर दिया। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्लच का यूज किस तरह से, कितने डिस्टेंस से कैसे यूज करना है हमें, अगर डिस्टेंस मेंटेन करना है अपनी कार में और आगे वाली कार में, और क्लच से क्लच का मिनिमम यूज लेना है, तो आप एक्सीलेटर से और ब्रेक से ही अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं और स्मूथ ड्राइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।